राउंड वन। शरीयत है, इंसानियत है, उसके गांधी को मानते हैं कि गोडसे को, ये बस बता, आप चुप कहानी मत सुनाइए, सुनिए ये बता दीजिए आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को, ये कौन है, ये कौन है इस तरह की बातें करने वाले, आप बोलिए, कहानी मत सुनाइए, मतलब आज आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे, शांति से सुनो, शांति से नहीं शांति से बोल दीजिए, अवार्ड वापसी गैंग वाले, मुंह से एक बार बोल दीजिए कि आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे, मैं मुंह से ही बोलता हूं, मैं मुंह से ही बोलता हूं भैया, को मानते हैं कन्हैया जी, कन्हैया जी ये बाइनरी बोलता हूं और मुझे बोलने दीजिए, आप कहानी मत, आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे, कन्हैया जी संबित जी बाइनरी नहीं है कि अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो आप ये हैं, आप ये नहीं बोलेंगे तो आप अगर ये बोलेंगे गांधी को मानते हैं गोडसे को, फिर वो बोलेंगे कि आप भारत माता की जय, वही हिंदुस्तान से गलत तथ्य, हिंदुस्तान की जनता देख रही है, मैंने 15 मिनट इनको सुना, जनता देख रही है 15 मिनट मैंने इनको सुना और अभी भी मैं रेवड़ी थोड़ी बट रहा है यहाँ पे, 15 किस प्रकार की भाषा है, आप सवाल का जवाब दीजिए कि आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को, ये सवाल मैं आपसे कर है किशोर जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 10 मिनट सुना ना मैंने, नहीं नहीं मेरी मेरी बात मेरा मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल, सुनिए मेरा मेरा कन्हैया जी आपसे भी एक सवाल है, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे जिलेबी बना रहे हैं आप, कोई जिलेबी नहीं है भैया, ये अफजल गुरु नहीं, आप हम भारत के भक्त, मकबूल भक्त, राष्ट्रवादी मिठाई है भाई, जिलेबी का पत्नी का नाम भारत माता की जय, हमारी माँ का नाम भारत माता की जय, इनसे वंदे मातरम बोला नहीं जाएगा, हम वंदे मातरम मारेंगे, इनके लिए राम मंदिर इशू नहीं है, हमारे लिए राम मंदिर इशू है, ये चाइना के मैं भारत का ये फर्क है, चाइना वाले भारत वाले को बोलने नहीं देंगे, ये कोशिश रहेगी अगर हम बोलेंगे और हम जीतेंगे भी, हो गया बैठ जाइए, आप गांधी को मानते हैं कोर्ट से को मानते हैं, सवाल का जवाब भैया, कोर्ट आपको इन्फेक्शन बता रही है और इन्फेक्शन आके मुझसे पूछ रहा है कि आप बोलिए, आप बोलिए, सुनिए ना, कोर्ट आपको बोल रही है आपको इस प्रकार के जवान का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कोर्ट आपको भगोड़ा बता रही है और आप बैठ के मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो पढ़ू मैं कोर्ट में क्या क्या लिखा है, पढ़ू, शर्म से आँख झुक जाएगा, शर्म से आँख झुक जाएगा, कोर्ट ने क्या क्या कहा है, सुनिए ना, कोर्ट ने इनको कहा है, तो सवाल किससे पूछेंगे, सवाल पूछने के साहब बैठे हैं, आप कौन है ये पूछ रहे हैं, अरे जो जो अफजल गुरु को मानता है मैं उससे सवाल नहीं लेता, मैं आतंकवादियों के सरगनाओं से सवाल नहीं लेता हूँ, मैं बता दूं, आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को, इस सवाल का जवाब दीजिए, आप किसको मानते हैं, स्टालिन को मानते हैं या लेनिन को, हम लेनिन को मानते हैं, स्टालिन मुर्दाबाद, आप बोलिए, लेनिन मुर्दाबाद दीजिए, गांधी जिंदाबाद, लेनिन मुर्दाबाद, स्टालिन मुर्दाबाद, लेनिन मुर्दाबाद, सवाल का जवाब दीजिए ना संबित जी, कहानी मत सुनाइए, अब सवाल का जवाब दीजिए, लेनिन मुर्दाबाद, स्टालिन मुर्दाबाद, भैया देश को बताइए, आप देश को बताइए, कहानी मत सुनाइए, अफजल गुरु को मानते हैं, अफजल गुरु मुर्दाबाद, हम अफजल गुरु को नहीं मानते, बहुत बढ़िया, आप बोलिए कश्मीर जिंदाबाद, बोल दीजिए ना, मैं बोलिए ना कश्मीर जिंदाबाद, बोलिए, ये क्या होता है, आपको मंत्री पद मिल जाए, आप बढ़िया मोदी कर लेते हैं, मंत्री पद मिलेगा, बोलिए गांधी को मानते हैं कि गोडसे को मानते हैं, सवाल का जवाब, इस प्रकार का, देखिए मैं आप ये सवाल नहीं, आप बोलिए कश्मीर जिंदाबाद, आप बोलिए भारत माता की जय, आप बोलिए, आप मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ, आप में हिम्मत है तो बोलिए भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय, ये बाइनरी सवाल ही इस देश की दिक्कत हो गई है, बोलिए भारत, नहीं ये बाइनरी सवाल ही इस देश की दिक्कत है, कन्हैया देखिए संबित जी, गांधी की गोडसे, भारत माता, गांधी की गोडसे, भारत माता, बोल दीजिए गांधी की गोडसे, भारत माता, गांधी की गोडसे, भारत माता की जय, गांधी की गोडसे, भारत माता की जय, देश की जनता को बता दीजिए, बताइए कश्मीर हमारा है, बता दीजिए बिल्कुल हमारा है, पाकिस्तान बदमाश है, बताइए क्या, पाकिस्तान बदमाश है, इसीलिए मोदी जी बिरयानी खाने गए थे, पाकिस्तान बदमाश, इसीलिए मोदी जी बिरयानी खाने गए थे, बताइए ना पाकिस्तान बदमाश, बताइए बिरयानी खाने गए थे, पाकिस्तान बदमाश, बताइए ना, बोलिए मोदी गया पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए, इसलिए बोलेंगे मोदी मुर्दाबाद, बोलिए संबित जी, संबित जी बोलिए, संबित जी बोलिए, तो जरा देश के प्रधानमंत्री के लिए मुर्दाबाद में कभी नहीं बोला, अच्छा राजीव गांधी, गांधी बापू जिंदाबाद, गांधी बापू जिंदाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, गांधी बापू मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, कम्युनिज्म मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, बिल्कुल गोडसे, गांधी हत्यारों को मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, गोडसे मुर्दाबाद, धन्यवाद 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 संबित जी, आप आगे बढ़े, मंत्री बने, बहुत बहुत धन्यवाद, चापलू, यू लूज राउंड टू। मैं आपसे आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगा, पॉलिटिकल नहीं, आपने कहा मोहन भागवत पे, आपकी पार्टी आप जिस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं वो कहता है लेनिन आतंकवादी है, उसने बहुतों को रेड टेरर में मारा है और मानता हूं मैं भी, लेकिन नाथूराम गोडसे ने भी तो हमारे फादर ऑफ नेशन को मारा, तो उसे आप क्यों नहीं टेररिस्ट मानते हो? ठीक है, देखिए बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल पूछा, लेनिन टेररिस्ट है, लेनिन टेररिस्ट भी है, इसमें अंतर होता है ना, बात बार बार भी की आती है, लेकिन जिस तरह से मरोड़ तरोड़ कर किया जाता है वो बात है पर आकर के खत्म कर दी जाती है, बिल्कुल, अरे सेकंड पार्ट पे बोलने दीजिएगा, तो मैं सेकंड पार्ट बोल रही हूँ, नाथूराम गोडसे जी पे आरएसएस का कथित
नाथूराम गोडसे जी पे, जी पे हाँ सुन तो लीजिए, बोलने तो दीजिए, बोलने देंगे कि आप लोग बोलेंगे तो ले, बोलिए बोलिए जी। ये कल को हाफिज सही जी, चूंकि इन्होंने थोड़ा डाइवर्ट किया, हम भी एक मिनट डाइवर्ट करके आएंगे, करेंगे करेंगे। रावण नाथूराम मुर्दाबाद क्या है, रावण रावण नाथूराम गढ़ से मुर्दाबाद क्या है, गोल गोल घुमा रहे हैं, क्या बोलने में दिक्कत है? शिव तांडव स्तोत्र रावण ने रचना की थी, क्या दिक्कत है इसमें है? मुर्दाबाद है इसमें, क्या दिक्कत है? गोल गोल घुमा रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद है, कन्हैया की बात सुनिए, वैसे नाथूराम गढ़ से मुर्दाबाद है। बोलिए इसको, चुप करवाइए इनको, फिर चुप करवाइए इनको, बोलिए बोलिए, चुप करवाइए, बोलिए बोलिए। देखिए मैं इस बकवास का जवाब नहीं दूंगी, आप बताइए इनको, चुप करवाइए पहले, जवाब जरूर लीजिए। हाँ बोले बोले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। नाथूराम गोडसे जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का एक लेड पर्सनालिटी होता है। अगर उन्होंने महात्मा गांधी का उन्होंने मर्डर किया है, उस पर आरएसएस का कथित बयान है, आप जाकर के पढ़िए उसको, भर्त्सना करते हुए उसको, जी और अगर याद रहेगा, अगर हत्या की है और नाथूराम गोडसे जी, इतिहास याद रखेगा सुभाषता जी, ये गद्दारी है, इसको कहते हैं देश के साथ गद्दारी। ऐसा है ना कि इतिहास लेखन अब तोरा त्रिमूर्ति भवन में जाकर के रख न दे जाए, ऑनलाइन पर यूट्यूब में वीडियो भी आ जाए, समझ ल, तो अगर वाले बात का जो स्पष्टीकरण है वो भी आएगा, तो खाली फालतू लफाजी ना कर कन्हैया जी, सुने के क्षमता रख। नाथूराम गोडसे हो या लेनिन हो या भगत सिंह हो या हटा दिए इस बार, कोई भी व्यक्ति हो उसकी लेड पर्सनालिटी है, उसकी पर्सनालिटी की व्याख्या आप एक तरीके से नहीं कर सकते, और अगर आप करेंगे हाँ तो आइडियोलॉजिकल जो सवाल था उसका आइडियोलॉजिकली आरएसएस का कथित बयान है गोडसे के अगेंस्ट, आप पढ़िए, मैं आपको रेकमेंड कर दूंगी आपके लिए, इन लोगों से उम्मीद नहीं लोग आपके लिए क्या है, इतना कहने के बाद जी हटाए हैं, बोलिए क्या है, बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद दिक्कत है इसमें क्या? नहीं बोले, नहीं बोल रहे पे हम विद्रोह करम, तोरा कहे पे विद्रोह करम, तू कहा ना वृंदा करात मुर्दाबाद, फेमिनिज्म का झंडा उठा दिया। अच्छा तो आपके कहने से लोग भारत माता की जय क्यों बोले? यू लूज राउंड थ्री। तुम्हारे साम्यवाद हाँ। का सबसे आइडियल जगह कौन सा है बता दीजिए, आपके फांसीवाद का आइडियल कौन है? हमारा कोई फांसीवाद नहीं, हम राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी हम राष्ट्रवादी है, तुम कम्युनिस्ट हो, साम्यवादी हो, अच्छा आदमी है कि खराब आदमी? हम राष्ट्रवादी है, तुम आप लोग का राष्ट्रवाद दूसरे मुसोलिनी अच्छा है कि खराब आदमी? मुसोलिनी का क्यों बीच में पड़े हो? अच्छा है कि खराब? राष्ट्रवाद में मुसोलिनी नहीं आता है, राष्ट्रवाद नहीं। तो स्टालिन कैसा था, माओ से तुम कैसा था? स्टालिन मुर्दाबाद, स्टालिन और माओ से माओ का समर्थन नहीं करते हैं, बोलिए। अरे तो आप तो आज जिसने फंस गए तब ना हम अच्छा एक मिनट मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप सीधा 34 जवाब नहीं दिए, एक मिनट 34। अरे अपना जवाब दे दो यार, अपना जवाब दे दो, आप हिटलर विरोधी है ना? मैं देश प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है कि नहीं, यही पूछ। मैं राष्ट्र प्रेमी, गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं है, देश को नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, शाबाश, सुन लो, आप देशद्रोही है, आप देशद्रोही है, सुनो सुनो, आप देशद्रोही है, गोडसे यहाँ विषय नहीं है, गोडसे का समर्थन देश में करता है, वो देशद्रोही है, गोडसे यहाँ विषय नहीं है, गोडसे जिंदाबाद, देख लीजिए उधर उधर, एक मिनट विषय नहीं है, देख लीजिए गोडसे जिंदाबाद, जोर से बोलो दोस्त, खड़ा होकर बोलो, इसका फोटो लीजिए, इसका कैमरा ले लीजिए, फोटो लीजिए, खड़ा हो गोडसे जिंदाबाद, खड़ा हो जाओ, गुंडागर्दी मत करो। यू लूज।